मैं इस वक्त मुंबई के मरोल इलाके में सेवन हिल हॉस्पिटल के बाहर पीछे का जो एरिया है मैं वहां पर खड़ा हूं। आप देखिए कि ये जो ये बिल्डिंग दिख रही है सेवन हिल हॉस्पिटल है, और ये जो इमारत इधर भी देख रहे हैं आप, इसमें जो वहां कर्मचारी काम करते हैं उनको यहां पर रहने के लिए आवास दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अब ये अस्पताल बीएमसी चला रही है, इसका पूरा खर्च यहां के कर्मचारियों का खर्च जो है बीएमसी उठा रही है, तो क्या पब्लिक को इसका फ़ायदा मिल पा रहा है? मेरे साथ इसी इलाके के यहीं के आसपास रहने वाले तमाम रहवासी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, इतना बड़ा हॉस्पिटल आपके घर के बगल में है, आपको क्या लगता है कि इसका फ़ायदा आप लोगों को मिल पा रहा है? जब भी कोई आदमी इस हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो पहले तो 10% का बीएमसी का सीट पूरा का पूरा बिजी है, ऑक्यूपाइड है, वहाँ से आपको इलाज मिलेगा नहीं, वो प्राइवेट में घुसा देते हैं, उनके पास से ज़्यादा बिल वसूलने का काम किया जाता है। ये जो 9 करोड़ रुपया बीएमसी किसके ऊपर कैसे खर्च कर रही है उसका इन्विटेशन ऑडिटिंग होना जरूरी है। किसी को यहाँ नज़दीक के लोगों का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, वहाँ जाने से डरते, किसी को कुछ पता नहीं है, उसका नोटिस है, नोटिफिकेशंस वगैरह ऐसा कुछ किसी के पास दिया नहीं है। अगर कोई जाएगा वहाँ इलाज के लिए तो पहले बोलते हैं कि प्राइवेट में जाओ, मतलब उनका ही प्राइवेट सेक्शन एक है, उधर जाओ, उधर यहाँ बीएमसी का पूरा ऑक्यूपाइड है, वो किसको देते, कैसे देते, कैसे इलाज करते, गरीब लोगों को उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो मैनेजेबल रहेगा, जिनका रिसोर्सेस रहेगा, वो बीएमसी के यहाँ से जाएगा और फोकट में इलाज करवा के लेगा, उनके ऊपर 9 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है बीएमसी कि गरीब लोगों के लिए 9 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। गरीब लोगों के लिए उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं, उसके ऊपर पूरा। अभी मुझे कल कुत्ता काटा था, कुत्ता काटने की वजह से मुझे जो इंजेक्शन लगाना, मैं ट्रॉमा में गया। जैसा साइन में इलाज होता है, जैसा ट्रॉमा में इलाज होता है, जैसा केएम में हर एक आदमी के लिए इलाज होता है, वैसा ये सेवन हिल हॉस्पिटल में होना चाहिए और गरीब लोगों को उसका लाभ होना चाहिए, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। हमारा भी यही सवाल है कि अगर बीएमसी इसको जो है खर्च उठा रही है, तो क्योंकि बीएमसी मुंबई में आम जनता के लिए सारे काम करती है, उनके तमाम हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल, जहां पर जाकर के लोग सस्ता इलाज या फिर फ्री में इलाज जो है करा सकता है, क्यों नहीं जाती है जनता? जनता जाने 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 की अगर जनता जाएगी वहां तो उनको कहा जाता है कि जो बीएमसी का कोटा है वो ऑक्यूपाइड है, खाली नहीं है, प्राइवेट में जाओ। तो अगर 10 लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस आएगा तो 11वां आदमी वहाँ क्यों जाएगा? क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है खर्च है? हाँ, बहुत खर्च है। अगर किसी का इलाज करने के लिए जाएंगे तो चेकिंग के लिए एक केस पेपर निकालने के लिए 1000 रुपये डालो, टेस्ट करने के लिए 1000 रुपये डालो, 10-20 हज़ार रुपये सिंपल सा बुखार रहेगा तो उसके ऊपर 10-15 हज़ार रुपये खर्चा करने के कहाँ अहमियत रहेंगे। ये हमारे जमीन के ऊपर सेवन हिल हॉस्पिटल खड़ा किया है, ये लोग वहाँ रहते थे, उधर वो सेवन हिल हॉस्पिटल, उन लोगों को कुछ फायदा नहीं है। उन लोगों ने आजू बाजू में कैंप भरना चाहिए, हर एक बस्ती में जाके बीएमसी अगर खर्चा करे तो स्टाफ हर एक बस्ती में जाके सेवन हिल का पैटर्न लेके उनका इलाज करना चाहिए। अगर लोग उनके पास जाने से डरे तो हॉस्पिटल ने लोगों के पास जाना चाहिए, वो कभी नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कही। आप कितने, आपका क्या नाम है, कितने सालों से यहाँ पे आप रह रहे हैं? क्या नाम है आपका? सोमा रामजी माड़े है। ये बताइए कि ये अस्पताल जो बना, जब बन रहा था तो क्या उम्मीद थी आप लोगों को? मतलब क्या, हमारा नौकरी का भी एक भरोसा रखा था, लेकिन वो भी नहीं मिला हम लोग कुछ नहीं। अभी बीमार गिरा तो भी उसके में जाने के लिए मुझे डर लगा, तो हॉस्पिटल में जाके उधर एडमिट हुआ, उधर मैं ठीक होते अभी आपके सामने खड़ा हूँ। क्यों नहीं जाते हैं आप? अगर मान लो जरूरत पड़ती तो क्यों नहीं जा रहे हैं? जाने के लिए डर लगता है। क्यों? अभी मैं ऐसा सुना जो एक बार गया तो वापस आता ही नहीं। क्या महंगा खर्च भी है? खर्चा भी महंगा है बोल रहे हैं। पहला क्या टोकन कुछ कितना है वो पहला ये करो, पूरा करो, उसके बाद में एडमिट करेंगे बीएमसी। लेकिन आपको क्या पता है कि अब ये बीएमसी के अंडर में बीएमसी चला रही है और बीएमसी के खर्च पे यहाँ पे आप लोगों का इलाज हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता भी कोई कोई जाओ के नहीं जाओ, ऐसा मतलब दो भरोसा रखता है। क्या मतलब पहले से जो बैठा है ना दिल में वो याद आता है, डर डर डर। आप क्या कहेंगे इस अस्पताल को लेकर, आपकी क्या अनुभव है? मुझे तो जाने ही डर लगता है हॉस्पिटल में। कभी गया तो बोलेगा 50,000 पहला डिपॉजिट करो, पहला करो, बोला आप नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, इसलिए हम लोग जाते ही नहीं उसके अंदर। कितना बड़ा अस्पताल है वो, एशिया का तो सेकंड नंबर पे तो हॉस्पिटल है, तो अभी उसमें जाने डर लगता है हम लोग को। उससे अच्छा हम लोग को हॉस्पिटल अच्छा गिरता है। बीएमसी के जो दूसरे अस्पताल हैं वहाँ पे आप जाना प्रेफर करते हैं? हाँ अच्छा, हम लोग मरोल नाके पे एक बीएमसी है लेडीज लोग का, उधर हम लोग जाते हैं, फिर कुपर जाते हैं हम लोग,
तो हम जोगेश्वरी में रामा में जाते हैं। लेडीज की बात की, क्योंकि सबसे जरूरी होता है जब अगर लेडीज की तबीयत खराब हो गई या फिर जो है उनकी डिलीवरी भी वगैरह है, तो क्या इसके लिए आसपास यहाँ पे कौन सी सुविधाएं हैं? इसके लिए मरोल नाके पे सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे सुविधा नहीं दी गई? यहाँ पे हम लोग जाते ही नहीं सर, यहाँ पे कौन सा खर्चा लगा देगा हम लोग को नहीं मालूम है, कितना पैसा लगा देंगे, इसके लिए डर के वजह से हम लोग जाते नहीं है। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? ये इस एरिया की ये जनता है जिसको लाभ मिलना चाहिए इस अस्पताल का। ये जो लोग हैं इनका ये कहना है कि ये अस्पताल जिस जमीन पर खड़ा हुआ है, कभी यहाँ पर ये रहते थे लेकिन इनको वहाँ से स्थानांतरित किया गया है। उनको उम्मीदें थी कि जब ये अस्पताल खड़ा होगा हो सकता है कि लोगों को यहाँ से रोज़गार भी मिले, और बड़ा अस्पताल है तो अगर कभी मान लो ज़रूरत पड़ती है तो ये अस्पताल उनके काम आएगा। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इतना बड़ा आलीशान अस्पताल बनाया गया है, उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के रहने वाले लोग ही इस अस्पताल के अंदर जाने से डरते हैं, उनको ये डर है कि ये बहुत महंगा अस्पताल है, बीएमसी के इसका देख रेख कर रही है, बीएमसी खर्च कर रही है, उसके बावजूद यहाँ पर खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए दूसरे अस्पताल जाना प्रेफर करते हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP News, मुंबई।